केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने आज विपक्ष को खूब हाड़े हाथ दिया। कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे दल मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने की जुगत में लगे हुए हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के मामलों में चल रही जांच से विपक्ष घबरा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। 2024 में भाजपा यूपी में 80 जबकि देश में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। अभी तक जो विपक्ष यह कहता था कि मंदिर कब बनेगा, उन्हें यह बता देना चाहते हैं कि 2024 जनवरी तक हिंदुओं की आस्था के प्रतीक रामलला अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। दरअसल डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भाजपा पार्षदों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। देशव्यापी राजनीति के अलावा मेरठ में तमंचे रखकर युवाओं को पुलिस द्वारा फंसाने के सवाल पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दो मामलों से 25 करोड़ की जनता का आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना स्पष्ट है कि योगी राज में निर्दोष फंसेगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। देखिए, इसमें तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनने जा रही है। जो विपक्षी भ्रष्टाचारी दल है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी तो जांच हो रही है। जांच की सच्चाई जब सामने आएगी तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है, इस डर से डरे रह करके वह विपक्षियों का गठबंधन है जिसको जनता ने नकार दिया है। 2024 में जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 300 पार अकेले भाजपा की। ये समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जो सरकार थी उसमें एक नहीं अनेक लोग मुख्यमंत्री थे, और सरकार के खजाने को अगर वो विश्वविद्यालय के अंदर ले गए हैं तो यार प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी की गई है और इसकी जांच कर रही है। अगर वहां पर आईटी विभाग जांच कर रहा है और ये अगर साबित होगा तो उसके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ प्रदेश के स्तर से भी कार्रवाई करेगी। प्रदेश के अंदर कानून का राज है, लेकिन यहाँ पर डीएम बनने वाले बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है, प्लंबर को अपराधी बनाया जा रहा है। क्या मामला है वो पर्टिकुलर एक दो मामले से 25 करोड़ के प्रदेश का आप आकलन नहीं कर सकते। अगर कोई गलत करेगा उसकी भी जांच करके, कोई निर्दोष फंसेगा नहीं, कोई अपराधी बचेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।